नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ उर्वशी जैन। आइए चर्चा करते हैं राशिफल 2021 में अगली राशि मकर की, जिसे हम इंग्लिश में कैप्रिकॉन के नाम से जानते हैं। दर्शकों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि या आपकी नाम की राशि पर आधारित है। देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की मकर राशि है, पर आपकी अगर लग्न और चंद्र राशि एक है तो जो राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं 90% उसकी भविष्यवाणी आपके जीवन पर सटीक बैठेगी। आप अपने नाम से या अपनी चंद्र राशि से अपना राशिफल देख सकते हैं। चर्चा करते हैं मकर राशि की। वर्ष 2021 की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए इस वर्ष आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जी हां, बेवजह के खर्चे इस साल पहले के ज्यादा मुकाबले ज्यादा हो जाएंगे। इस साल की बात करें तो घर वालों के साथ आपका कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। आमदनी के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको कुछ मुनाफा मिलेगा। शेयर बाजार में भी आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको कोई कर्जा लेने की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत ही आपकी नेगेटिव बातों से की है, तो आप घबराइए नहीं। इस कार्यक्रम में आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें बताएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स की सलाह लें। वर्ष के अंत में आप जो बेवजह खर्चे आपके नजर आ रहे हैं, ऐसे में आप उन खर्चों पर अंकुश करने के लिए इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। आपको हम कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आप उन अनायास खर्चों से बच जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं या कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इस साल बहुत सोच समझ कर इसका निर्णय करें। इस साल अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने करियर में देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए साल के अंत की बात करें तो वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जी हां, मकर राशि वालों के हम राशिफल 2021 की बात कर रहे हैं और अब चर्चा करेंगे उनके पारिवारिक जीवन की। इस वर्ष बहुत बेहतर समय आपका अपने परिवार के साथ साबित होने वाला है। घर पर समय समय के कई तरह की खुशियां मिल सकती हैं। कोई नया मेहमान आ सकता है या किसी नए मित्र के आपकी ज़िंदगी में आने से आपकी जो नीरस जिंदगी है उसमें रस हो सकता है, आनंदित वातावरण हो सकता है। वर्ष के मिडल में अगर बात करें, आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, इस वर्ष मकर राशि के जातक अपने माता पिता का सहयोग पाएंगे। सहयोग सिर्फ मानसिक नहीं रहेगा बल्कि वो धन से भी आपकी मदद करेंगे। मैरिटल लाइफ की बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। जो लोग विवाहित हैं, इस साल की शुरुआत में वैवाहिक जीवन में किसी गलतफहमी की वजह से आप पति पत्नी के रिश्ते में कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये साल बीतेगा आप समझिए कि वो जो मतभेद है, जो मनों के भेद हैं, वो दूर हो जाएंगे। चलिए आपके सेहत की बात करते हैं मकर राशि के जातक। सेहत के लिहाज से ये साल आपके लिए कैसा रहेगा तो हम यही कहेंगे कि ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। और एक बात, आप बाहर की चीज़ों को खाने से बहुत परहेज करें, अन्यथा आपको कोई बड़ी बीमारी से जूझना पड़ सकता है। आइए जानते हैं मकर राशि वाले इस वर्ष क्या कर सकते हैं खास उपाय। आप अपने उपाय नोट करें। सबसे पहला उपाय आप क्या करें, आप घर पर आए हर अतिथि की इज्जत करें, उन्हें पानी सर्व करें। याद रखें, जो अतिथि घर पर आता है, जब आप उन्हें पानी के साथ मीठा सर्व करते हैं तो आप अपने राहु का इलाज करते हैं। तो जितना संभव हो सके आप अपनी अतिथि को भगवान माने। आप इस वर्ष कोशिश करें कि जो खाना खा रहे हैं उसमें नमक, जी हाँ, कम नमक का इस्तेमाल करें, आपको लाभ होगा। आप मकर राशि के जातक हैं, आप चींटियों को खाना खिलाने की कोशिश करें। अगर आप रोज़ नहीं जा सकते तो आप एक काम करें, किसी एक पेड़ को, पुराने से पेड़ को ढूंढें, उसके नीचे गोले में जो है आप काले तिल बूरा भरकर उसे ज़मीन में दबा दें। लेकिन जो जातक अपना डीवन चार्ट जरूर अपना जो है अवलोकन करवाएं, जिनके चार्ट में शनि 11वें घर में है, जिनके डीवन चार्ट में शनि 11th हाउस में है, गेन हाउस में है, उन्हें ये दबाने वाला उपाय नहीं करना है क्योंकि आपका शनि लाभ के घर में बैठा हुआ है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं, आप अपने हाथों में लोहे का छल्ला या कड़ा पहन सकते हैं, इससे भी आपको फायदा हो सकता है। देखिए, आप इस वर्ष अगर आप शुभ चाहते हैं, गहरे रंग पहनने से बचें, आपको डार्क कलर्स नहीं पहनने हैं।
अगर आप मकर राशि के जातक हैं, आप जो है बजरंग बाण का पाठ करें, आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि पूरा वर्ष आपकी राशि में शनिदेव विचरण करने वाले हैं, उसके साथ देवगुरु बृहस्पति भी आएंगे। डबल गोचर निस्संदेह आपको कई जगह कई महीनों में बहुत फायदा देगा, लेकिन कुछ महीने जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे सितंबर माह में, तब जो मकर राशि के जातक हैं, तब उस समय आपको अपने आवेश में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप एक चीज़ याद रखें, अगर आप मकर राशि के जातक हैं, जितनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसकी वजह आपकी जिद, आपकी ईगो, आपका गुस्सा है, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो आप बहुत सारे बुरे योगों से बच सकते हैं। दर्शकों, हमारा एक ही प्रयास है कि आप जो उपाय करें वो, लेकिन पहले अगर आपके पास अपनी कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स है, आप किसी भी अपने फैमिली एस्ट्रोलॉजर से उसका अवलोकन करवाएं और फिर उसके बाद ये उपाय करें। ओवरऑल हम ये कहेंगे मकर राशि के लिए 2021 का जो ग्राफ है वो साल में अगर यहां से शुरू होगा तो साल के अंत तक यहां पहुंच जाएगा, यानी कि धीरे धीरे आप साल में प्रोग्रेस करेंगे। तो हमारी बहुत सारी विशेष हैं आप मकर राशि के जातकों के साथ। दर्शकों, इस एपिसोड में इतना ही, अगली कड़ी में अगले एपिसोड के राशिफल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए OTT इंडिया TV।